हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मार्किंग स्कीम को लेकर के, क्योंकि आप मैथ्स का पूरा जो अच्छे से तैयारी है वो कर रहे होंगे, चाहे वो बेसिक मैथ वाले हो या स्टैंडर्ड मैथ वाले। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप मुझे मार्किंग स्कीम बता दो, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं 11 मार्च को आपका जो एग्जाम होने वाला है। देखिए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। चैप्टर वाइज हम लोग देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट वाइज चेक कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है ना आपका, वो है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, उसके बाद एलजेब्रा से 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स, आपका ट्रिगोनोमेट्री से 12 मार्क्स का रहेगा और मेंसुरेशन से 10 मार्क्स रहेगा। स्टैटिस्टिक्स से और प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर के आपका 11 मार्क्स रहेगा। टोटल मिलाकर के आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स है, एलजेब्रा 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 और ज्योमेट्री हो गया आपका 15, ट्रिगोनोमेट्री हो गया 12 और मेंसुरेशन हो गया 10 मार्क्स, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर के 11 मार्क्स का रहेगा। ओके, अब देखिए, ये हो गया आपका यूनिट वाइज, यानी कि ये सब यूनिट से आपको इतने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो चैप्टर वाइज आपको ये मैं आपको अराउंड में बता देता हूँ अप्रॉक्स। ओके, इसमें एक दो नंबर जो है ना वो आगे पीछे हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, बट कभी कभी क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 7 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। कभी कभी एपी से 5 मार्क्स का पूछ देता है, कभी कभी 4 ही नंबर का पूछता है। क्या होता है, कभी कभी सर्कल से आपको 7 मार्क्स का पूछ देगा, कभी 9 मार्क्स का पूछ देगा। तो एक दो नंबर का भी ये डिफरेंस रहता है। तो देखिए, आपका जो रियल नंबर है ना, अप्रॉक्स में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉलिनोमियल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.4, 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1, इससे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, उसके बाद सर्कल से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आपको 5 मार्क्स का रहेगा, 5 नंबर का। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। स्टैटिस्टिक्स से आपको 5 मार्क्स का रहेगा। ओके, और प्रोबेबिलिटी से रहेगा आपका 6 मार्क्स। टोटल मिलाकर के आपको 80 मार्क्स का एग्जाम पेपर जो है वो होने वाला है। ओके, ये था आपका मार्किंग स्कीम, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्रिपेयर करना है अच्छे से एग्जाम में। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाएगा ना, वो है आपका एलजेब्रा। तो एलजेब्रा आपको आपको अच्छे से देख लेना है। ओके, हर एक चैप्टर में रियल नंबर में आपका एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका। आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन आएगा, ये दो टॉपिक को आप देख लेना। पॉलिनोमियल में हम लोग जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आप देख लेना, एग्जाम में आएगा। फैक्टराइजेशन आप सीख लेना अच्छे से, फैक्टराइजेशन आएगा ही आएगा। और वेरीफाई करने और रिलेशनशिप फाइंड करना, ये आप देख लेना पॉलिनोमियल में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। एज रिलेटेड क्वेश्चंस, नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना। बोर्ड और स्ट्रीम को भी देख लेना एग्जाम में आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको ज्यादा नहीं देखना है, बस डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड को आप अच्छे से देख लेना और वर्ड प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड हम लोग कैसे करते हैं और सम ऑफ nth टर्म किस तरह से फाइंड करते हैं, ये आप देख लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है और आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ना है या मिड पॉइंट फार्मूला, ये आप देख लेना अच्छे से। ट्रिगोनोमेट्री में आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल छोड़ करके आपको सारे को पढ़ लेना है। टी रेशियो पूरा पढ़ लेना, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो पूरा पढ़ लेना है आपको। आइडेंटिटीज पूरा पढ़ लेना है, आइडेंटिटीज का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ओके, आपको जाकर के इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, पूरा आइडेंटिटीज आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला आप अच्छे से देख लेना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखिए 7.1 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक देख लेना और आपका एनसीईआरटी से 7 से लेकर 10 तक देखना और आरएस अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन बना लेना। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला जो है आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2, उसका सारा क्वेश्चन देख लेना। ओके, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्या करना, ट्रायंगल में आपको क्या करना है ना, ट्रायंगल का जो है आपका बीपीटी थ्योरम जो है ना वो अच्छे से देख लेना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को अच्छे से देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब देख लेना। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, पोल्स वाले क्वेश्चंस को, टावर वाले क्वेश्चंस को, पेडेस्टल का हाइट हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सब देख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। सर्कल्स में हम लोग क्वाड का डिस्टेंस, रेडियस का डिस्टेंस, टेंजेंट का डिस्टेंस, ये सब आप किस तरह से निकालते हैं ये देख लेना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा।
सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम का आप देख लीजिएगा, स्टेटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड आपको देख लेना है अच्छा से, और प्रोबेबिलिटी में डाइस से रिलेटेड, डाइस में भी आपको वन डाइस, टू डाइस, ट्रिपल डाइस ये देख लेना है, उसके बाद आपको कार्ड वाले क्वेश्चन को देख लेना है, वॉल्स वाले क्वेश्चन को देख लेना है, ये सब आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको इतना सारा हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, तो देखिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर आ जाना है, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर आपको चले जाना है, ठीक। प्ले लिस्ट में आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा क्लास 10 मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ओके, क्लास 10 मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्ले लिस्ट मिलेगा, ये इस प्ले लिस्ट में जाकर के आप पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है ना, पूरा क्लास 10 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, आर एस अग्रवाल का हो, आर डी शर्मा हो, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, या फिर पीवाईक्यू का हो, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस प्ले लिस्ट में आपको डाल करके रखा हुआ है, जाकर के सारे प्लेलिस्ट का सारे क्वेश्चंस को आप देख लेना, एग्जाम में आपका जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो इजीली आपका बन जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट का सारा क्वेश्चन आप जाकर के देख लेना, सारा क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ओके। और आइडेंटिटीज को आप अच्छे से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक दे दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जाकर के सारे क्वेश्चन को आप देख लो, आपका एग्जाम जो है वो काफी अच्छा जाएगा, ओके। इस वीडियो के बाद मैं आपको एसएसएन और रीजन वाला वो लाने वाला हूं, और आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कि जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के एग्जाम के लिए, वो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसएसएन और रीजन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।